ध्यान से देखिएगा। जिस एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल लोहे को काटने के लिए किया जाता है, क्या लोहे को काटने वाली उस गैस से पकाया हुआ आम देश में आप और आपके बच्चे चाव से खाने को मजबूर हैं? जो एसिटिलीन गैस लोहे की मोटी चादर को छेद कर दो टुकड़े कर देती है, क्या ऐसी खतरनाक गैस से पके हुए आम का मैंगो शेक आप और आपके बच्चे स्वाद लेकर पी रहे हैं? जो एसिटिलीन गैस लोहे की मोटी सी चादर में चंद सेकंड के भीतर सुराख करने में कामयाब हो जाती है, क्या उसी गैस से पकाया हुआ आम रोज आप बाजार से खरीद कर ला रहे हैं? आम के सीजन में आम आदमी से जुड़ी खबर दिखाने की वजह समझिए। बरेली के पुलिस थाने में यहाँ पर देखिए आम सील किया जा रहा है। जी हाँ, आम सील करने के बाद आम बेचने वाले के अंगूठे के निशान उस पर लिए जा रहे हैं, क्योंकि बरेली के अस्पताल में भर्ती ये वो बच्चे हैं जिन्होंने 14 जून को आम खाया और इनकी जान पर बनाई। लेकिन इन्हीं के साथ बरेली में आम खाने वाली 6 साल की बच्ची अनुष्का की मौत हो गई। अब खाद्य सुरक्षा अधिकारी जांच कर रहे हैं आम ने बच्ची की जान कैसे ले ली। आम खाने से, जैसा कि सुना जा रहा है, आम खाने से एक बच्ची की डेथ हो गई है और 4-5 बच्चियां बीमार हैं। से हमने सैंपल लिया है, उसमें जो भी रासायनिक पदार्थ यदि पकाने के लिए यूज हुआ है ट्रेस होता है, तो उसके बाद उसमें उसी तरह से फिर से एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। हमारे देश में 22,63,000 हेक्टेयर क्षेत्र में आम की पैदावार होती है। देश में सालाना 1,97,00,000 टन आम पैदा होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा आम की पैदावार भारत में होती है। जिस भारत देश में दुनिया का 40% आम पैदा होता हो, उस भारत में आम खाकर मौत हो जाना और आम से जुड़ा खतरा बड़ी चिंता की बात है। इसलिए भी क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था में भी फलों के राजा आम का बड़ा रोल है। देश से हर साल 445 करोड़ रुपए का 53,000 टन आम विदेश निर्यात होता है। लेकिन आम खाना क्यों खतरनाक होता जा रहा है, इसकी वजह समझने के लिए संवाददाता रक्षित सिंह पहुंचे मेरठ में आम के एक बड़े बाग में। फलों का राजा कहा जाने वाला आम तकरीबन सभी लोग बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं आपके घर तक, आपकी रसोई तक पहुंचने वाला आम आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है, कितना नुकसानदायक है? आइए आपको बताते हैं। मेरठ में आम के इस बड़े बाग में कच्चे आमों को तोड़ा जा रहा है। यहाँ आप जान लीजिए कि आमों के खुद पकने का सिलसिला बेहद प्राकृतिक होता है। आम खुद एक जैव रासायनिक प्रक्रिया के तहत पकता है। जब आम पूरी तरह विकसित हो जाता है तो उसके भीतर एथिलीन गैस का निर्माण होता है, साथ ही आम के अंदर मौजूद अम्लों का विघटन शुरू हो जाता है। इस जैव रासायनिक प्रक्रिया के तहत आम को प्राकृतिक रूप से पकने में 12 से 15 दिन लगते हैं, लेकिन जल्द मुनाफे के लालच में व्यापारी और आम उगाने वाले किसान इंसान की जान को खतरे में डालने लगते हैं। इस वक्त हम मेरठ जिले के गांव में एक बड़े आम के बाग में मौजूद है। चारों तरफ आपको आम ही आम नजर आएंगे, आम के पेड़ नजर आएंगे, पेड़ों पर आम लदा हुआ नजर आएगा। यहाँ इस बाग में आज तुड़ान हो रहा है, यानी कि स्थानीय भाषा में इसको तुड़ान कहते हैं। आम आज यहाँ पर तोड़े गए हैं, पेड़ों से टूटा हुआ कच्चा आम है। ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से तमाम जो पेटियां हैं वो भरी जा रही हैं, पूरे तरीके से ये कच्चा आम है। लेकिन अब इस आम के साथ कुछ ऐसा होगा कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर ये हरा दिखने वाला कच्चा आम पूरे तरीके से पक जाएगा और फिर आपकी और हमारी रसोई तक, हमारे घर तक पहुंचेगा। संवाददाता रक्षित सिंह आगे बढ़े तो एक जगह पर दिखा कि कच्चे आम की पेटी में एक पुड़िया बांधकर रखी जा रही है, जबकि दूसरी जगह पर पके हुए आम रखे हुए हैं। जो आम आपको पके हुए दिख रहे हैं ये प्राकृतिक रूप से नहीं बल्कि एक जहर से पकाए गए, वो जहर जो इस पुड़िया में बंद होता है। इसी तरह इन कच्चे आम को 2 से 3 दिन में पकाकर बेचने का खेल यहाँ हो रहा है। आम पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड के टुकड़े लाकर रखे गए हैं, जिन्हें एक पुड़िया में बांधा जा रहा है। अब देखिए क्या होगा आम पकाने के लिए। इसको पकाने की जो प्रक्रिया है
वो कैसे होती है वो आपको बताते हैं। ये पेटी आप देखिए कि इसमें अखबार लगा दिया गया, अखबार इसलिए लगा दिया गया जिससे कोई गैस लीक ना हो, और जो कच्चा आम था वो इसमें डाल दिया गया। और यहाँ पर ये एक पुड़िया है जिसको सामान्य भाषा में मसाले की पुड़िया कहते हैं या फिर कार्बाइड कहते हैं, लेकिन असल में जो केमिकल कंपोजिशन है वो होता है कैल्शियम कार्बाइड। और ये जो पूरी की पूरी पुड़िया है वो इसमें रख दी जाती है और ऊपर से आम डाल दिया जाता है। दो पुड़िया इसमें डाल दी गई हैं और इसके बाद में जो है दो पुड़िया ऊपर से रखी जाएंगी और फिर जो कच्चा आम है वो इस पेटी में भर दिया जाएगा। और पेटी को भरने के बाद में फिर अखबार जो है अखबार से इस पेटी को बंद कर दिया जाएगा। तो सवाल ये कि जिस कैल्शियम कार्बाइड से आम पकाकर जनता को खिलाया जा रहा है वो कितना घातक है? क्या देश में कैल्शियम कार्बाइड से आम पकाना गैरकानूनी नहीं है? और कैल्शियम कार्बाइड से आम पकाया जा रहा है तो हम क्यों लोहा काटने वाली गैस से आम पकाने की बात कर रहे हैं? इन सवालों का जवाब जानने रक्षित सिंह पहुंचे मेरठ में खाद्य सुरक्षा विभाग की अधिकारी अर्चना धीरन और मेरठ के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राजकुमार के पास। कृत्रिम रूप से आम को एथिलीन से पकाया जाता है, लेकिन उसकी परमिशन है, परमिटेड है, वो एथिलीन से पका सकते हैं। लेकिन अब बहुत ये देखा जा रहा है कि लोग कार्बाइड से भी पका रहे हैं जो कि रेस्ट्रिक्टेड है बिल्कुल, उससे हम नहीं पका सकते, वो नियम के विरुद्ध है। भी कैल्शियम कार्बाइड से पकाते हैं, कैल्शियम कार्बाइड से आपकी एसिटिलीन गैस निकलती है, दैट इज़ हार्मफुल टू ह्यूमन। और ये स्पेशली दिमाग पे असर डालती है, न्यूरो सिस्टम पे असर डालती है, इससे हेडेक हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है, एंड अगर ज़्यादा दिन इससे एक्सपोजर हो जाए तो ये मेमोरी लॉस भी कर सकती है। जी हाँ, जानलेवा खेल खेला जा रहा है देश में। जिस कैल्शियम कार्बाइड से आम पकाने का काम मुनाफे के लालच में होता है वो कैल्शियम कार्बाइड दरअसल नमी का साथ मिलते ही एसिटिलीन गैस छोड़ता है जिससे गर्मी पाकर आम तो पक जाता है, लेकिन वही एसिटिलीन गैस लोहा काटने या लोहे में जोड़ लगाने के दौरान वेल्डिंग में इस्तेमाल होती है। इसीलिए हमने कहा लोहे को काटने वाली गैस का इस्तेमाल देश में आम पकाने के लिए हो रहा है, और ऐसा लगभग देश में हर जिले में होता है जहां आम की पैदावार होती है। जैसे देश में कुल आम उत्पादन का 18% अकेले उगाने वाले उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और बरेली शहर का हाल आप देखिए। किस तरीके से इस आम को पकाते हैं, क्या कुछ डालते हैं? कार्बेट पहले रद्दी तले से लगाई जाती है, फिर आमिया रख के फिर कार्बेट, फिर ऊपर से रद्दी पैक कर दी। इसे ये पेटी है ना, ये पेटी है, इसको दिखाएंगे तो इसको आप लोग, अब इसमें ये कार्बाइड है। हाँ, इसकी कितनी मात्रा कुछ कुछ होता है हिसाब किताब, कितना एक पेटी में कितने आम आते हैं? एक पेटी में इसमें 25 किलो तो आ ही जाते हैं। 25 किलो आम, और उसमें कितना कार्बाइड डालते हैं आप लोग? ये 2-3 पुड़ियाँ रख देते हैं और क्या है। ये हमारे पास यहाँ पर जो आम में लेबर काम कर रही है, ये आम